नमस्ते, मेरा नाम ऋचा त्रिपाठी है। आदि योगा सेंटर से मैं एक योगा थेरेपिस्ट हूँ। आज 21 जून 2020 छठा इंटरनेशनल योग डे हम लोग सारे लोग मिलकर सेलिब्रेट कर रहे हैं, और आज के दिन से हम इसी चैनल पे डेली कुछ ना कुछ रोज़ सुबह आपके साथ योग के बारे में कुछ शेयर करेंगे। इससे पहले हम एक बार ओम का उच्चारण करेंगे, साथ ही गुरु वंदना, फिर अपने आगे की चर्चा आरंभ करेंगे। योग क्या है? योग का एक शाब्दिक अर्थ है जुड़ना, मिलना या संयोग, या संस्कृत के युज धातु से मिलकर बना हुआ है, जिस पे आज हम सभी लोग चर्चा करेंगे। एक्चुअल में आज के वर्तमान समय में हमारी जिंदगी काफ़ी फास्ट हो गई है, तीव्र गति से चल रही है। उस तरह से हमारे शरीर में मानसिक रूप से कई तरह के चेंजेस आए हैं, जिस पे हम योग को अपनाकर शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, सामाजिक और आध्यात्मिक रूप से अपने आप को स्वस्थ बना सकते हैं। एक योग जीवन जीने की कला है। योग एक वह विज्ञान है जिससे हम सभी अपने जीवन को सुव्यवस्थित व सुसंगठित बना सकते हैं, हम अपने शरीर को फिट कर सकते हैं। योग डे के उपलक्ष्य में आज से हम सभी कुछ छोटे छोटे योग के आसनों से शुरुआत करेंगे। आज हम सबसे पहले ताड़ासन करेंगे, फिर तिर्यक ताड़ासन करेंगे, फिर कटी चक्रासन व सूक्ष्म व्यायाम, संधि संचालन के कुछ व्यायाम हैं जो हमारे जॉइंट्स को एक्टिव करते हैं। हमारे जॉइंट्स में जो पेन रहता है उन दर्द को ख़त्म करता है। और ये टीटी के जो ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, कटी चक्रासन, ये हमारे शरीर के ब्लड सर्कुलेशन को प्रॉपर करते हैं एक तरह से। ये एक छोटे आसन है। आज हम सबसे पहले आसनों में ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, कटी चक्रासन, ये तीनों करेंगे। ताड़ासन, इससे हमारे बॉडी के ब्लड सर्कुलेशन होता है। इस पे स्पेशली हमारे हील्स पे, टो पे, काफ मसल्स में और दोनों हाथों में, शोल्डर में अच्छा स्ट्रेच आता है। इससे हमारे शरीर में हम ब्रीथ के साथ करते हैं तो एक प्राणों का संचार अच्छे से होता है, साथ ही कंसंट्रेशन पावर हमारा काफ़ी अच्छा होता है। ये तीनों ही ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, कटी चक्रासन, हमें अगर हम उषापान, मॉर्निंग में उठ के उषापान करते हैं, जब उषापान आप लोगों को पता ही होगा कि हम सुबह सबसे पहले उठते ही हम 3 से 4 गिलास गुनगुना पानी पीते हैं, या 2 गिलास जिसकी अपनी जितनी कैपेसिटी है वो गुनगुने पानी पीते हैं। इसके बाद ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, ये तीनों आसनों को किया जाए तो इससे हमारा मोशन अच्छे से क्लियर होगा। हम सबसे पहले ताड़ासन करने जा रहे हैं। दोनों हाथों को शोल्डर से बराबर लेते हुए सर के ऊपर में रखेंगे। दोनों हाथों की फिंगर्स को लॉक करेंगे और सर के ऊपर रखेंगे। लंबी गहरी सांस लेते हुए अपनी हील को ऊपर की ओर उठाएंगे और हाथों को ऊपर की ओर स्ट्रेच करेंगे। 10 सेकेंड होल्ड। करने के बाद धीरे से इनहेल करते हुए हील और हाथ एक साथ धीरे से रिलीज करेंगे। अब हम दूसरा तिर्यक ताड़ासन करने जा रहे हैं। तिर्यक ताड़ासन में भी दोनों हाथ शोल्डर के समांतर धीरे से इंटरलॉक फिंगर्स एंड इनहेल
देन एक्सेल करते हुए लेफ्ट साइड बेंड करेंगे, आपको बॉडी जितना बेंड कर सकते हैं। इनहेल करते हुए फ्रंट पे आना है और अगेन एक्सेल करते हुए राइट साइड बेंड करना है आपको बॉडी। फिर धीरे से रिलीज करना है। थर्ड हम करेंगे कटी चक्रासन, दोनों हाथ सोलर के बराबर। अभी इस पे राइट हैंड अपने शोल्डर के पास लेके जाएंगे, लेफ्ट हैंड बैक साइड। लेकिन इसको जब हम ट्विस्टिंग के साथ लेंगे, अपनी कमर को घुमाते हुए एक फ्लो में लेंगे। पीछे अपनी एंकल को देखने की कोशिश करेंगे। फिर इनहेल करते हुए फ्रंट पे आना है, अगेन एक्सेल करते हुए राइट साइड। और हम इसके बाद सूक्ष्म व्यायाम करने वाले हैं। सूक्ष्म व्यायाम संधि संचालन, मतलब कि ये हमारे शरीर के जितने भी ज्वाइंट्स हैं, ये स्पेशली ज्वाइंट पे ही वर्क करता है। ज्वाइंट को अगर प्रॉपर मूवमेंट नहीं मिले तो वहाँ पे फ्लूड जमने लगता है। वो एक तरह से चिपचिपा पदार्थ जो रोटेट होता है एक तरह से चारों तरफ, तभी वो अच्छे से वर्क करता है। या फिर हम एक ही पोजीशन में रहें, जैसे कि खड़े रहें लंबे टाइम तक या लंबे टाइम तक बैठे रहें एक ही पोजीशन में, तो उससे हमारे जो भी ज्वाइंट्स होते हैं, नी है जैसे या कमर के पास है, तो उनमें पेन या अकड़न टाइटनेस शुरू हो जाती है। तो इसके लिए हम सूक्ष्म व्यायाम करते हैं। तो सूक्ष्म व्यायाम स्पेशली हर एक ज्वाइंट्स को कवर करता है। सामने ये दंड आसन बोलते हैं सर। अब अपन सूक्ष्म व्यायाम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले इनहेल करते हुए सारे उंगलियों को अपने साइड खींचना है और धीरे से एक्सहेल करते हुए सामने को झुकाना है। हिला साइड पर एक्सहेल, अप हिला सीधा, हिला सीधा, हिला सीधा। फाइव टाइम कंटिन्यू करेंगे। फिर नेक्स्ट फाइव टाइम अभी हमें पूरे टो को मूवमेंट देना है। इनहेल करते हुए अपनी साइड खींचना है और एक्सहेल करते हुए सामने जितना आप उतना काम कर सकते हो उतना काम करेंगे। फिर आज के लिए हम इतना ही चर्चा करेंगे आसनों में। अगले एपिसोड में हम कुछ नए आसनों को शामिल करेंगे, ये भी करेंगे साथ में कुछ अच्छे आसन जो हमारे लिए ज़रूरी है, हम कम टाइम में और हम अपने डिसीज से छुटकारा पा सकते हैं या उनमें सहायक हैं, उस पर चर्चा करेंगे।